लोकसभा इलेक्शंस की गहमा गहमी है और अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो दो फेजेस में इलेक्शंस हो चुके हैं, जम्मू रियासी और उधमपुर डोडा कॉन्स्टिट्यूंसीज में इलेक्शंस हो चुके हैं, लेकिन अगर हम तीसरे फेज की बात करें तो तीसरे फेज में अब वैली की दो सीटों पे और 25 मई है उसमें जो अनंतनाग राजौरी पुंछ सीट है जिसमें पहले 7 मई को इलेक्शन होने थे अब उसको 25 तारीख तक डेफर किया गया है और 25 तारीख को ही इसके इलेक्शन होंगे। बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट है, पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती कैंडिडेट हैं, मियां अल्ताफ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से वो लड़ रहे हैं, इनके बीच ही कड़ा मुकाबला, लेकिन जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने भी अपनी ताल ठोक दी है। ये सीट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि डिलिमिटेशन के बाद जो अनंतनाग की सीट है उसके साथ राजौरी और पुंछ को जोड़ा गया और इस वजह से पहले कंट्रोवर्सी भी इस पर बहुत ज़्यादा हुई लेकिन बाद में पॉलिटिकल पार्टीज को भी ये मानना पड़ा कि नहीं, अगर यह डिलिमिटेशन का फैसला हुआ है तो वो उसके साथ ही जाएंगे। मैं इस वक्त पुंछ के सुरनकोट एरिया में हूँ और सुरनकोट एरिया में अगर आप देखें तो हर तरफ चुनावी माहौल में लोग आ गए हैं। हालांकि कैंपेनिंग की बात करें तो यहाँ महबूबा मुफ्ती से लेकर मियां अल्ताफ ने कैंपेनिंग की है और लगातार वो आ भी रहे हैं, लेकिन जो ओवरऑल माहौल है, जो इलेक्शन कैंपेन का जो ओवरऑल सिनेरियो, वो इतना ज़्यादा दिखा नहीं। हालांकि कुछ रोड शोज यहाँ पे हुए हैं, यहाँ यूथ की अपनी इशूज़ हैं, यहाँ जो वोटर है वो अपने अपने इश्यूज़ की बात करता है, मुद्दे क्या हैं उनसे भी हम जानने की कोशिश करें, लेकिन जो पहाड़ी इलाका है ये एक बॉर्डर का इलाका है और यहाँ पे कभी मिलिटेंसी का बहुत ही ज़बरदस्त एक डोमिनेंस होता था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ चीज़ें चेंज हुई। अब यहाँ पे अगर डेवलपमेंट की बात करें तो सड़कें भी आई हैं, यहाँ पे डेवलपमेंट भी हुए, लेकिन लोगों के मुद्दे क्या क्या हैं, लोग किस किस मुद्दे पर वोट देंगे, इसी पर हम बात करेंगे इसी पूंछ एरिया में, क्योंकि हम आए हैं इनसे बात करने के लिए और जानने की कोशिश करेंगे कि 25 तारीख को जब ये वोट डालेंगे तो क्या क्या इश्यूज़ इनके पास हैं, क्या क्या मुद्दे लेकर ये आगे आएंगे, किन मुद्दों को लेकर, किस कैंडिडेट को लेकर। हम ये नहीं पूछेंगे कि किस कैंडिडेट को, लेकिन हम ये पूछेंगे कि अगर किसी कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं तो क्या क्या मुद्दे लेकर वो वोट देंगे, क्या क्या चीज़ें देखकर वोट देंगे। यहाँ पे रहते हैं, आपका नाम? मेरा नाम बशीर बजाड़। ये बताइए बशीर साहब, आप पहले भी चुनाव में यहाँ पे वोट दे चुके हैं, अब आप अनंतनाग के साथ हो, मुद्दे क्या है यहाँ पे, पूंछ राजौरी के मुद्दे मेन क्या है? आपका क्वेश्चन से पहले आपका हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि टीवी 18 एक ऐसा चैनल है जिसको दुनिया भर में देखा जाता है और खासकर हम जो इस बॉर्डर एरिया के लोग हैं ईमानदारी से बताते हैं, आपकी न्यूज़ जो है वो अच्छी न्यूज़ होती है और सच्चाई पर आधारित होती है, हम बहुत देखते हैं इस चैनल को। आपके माध्यम से आपने जो सवाल किया है मैं उसका जवाब देता हूँ। आज जो इलेक्शन का मुद्दा है, जो कि हमारी ही गवर्नमेंट ने, भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारे इस बॉर्डर एरिया के साथ नाइंसाफी की कि हमें यहाँ से पुंछ से उठाया, दूसरे डिवीजन में कश्मीर के साथ हमारे इस डिस्ट्रिक्ट को लगा दिया अनंतनाग के साथ, जबकि ना किसी कॉन्स्टिट्यूशन में था ना किसी आइन में है। आइन कहती है टॉपोग्राफी अलग है, लोकेशन अलग है, देखने में इलाका अलग है, उसको नहीं जोड़ा जाता था। उस टाइम भी हमारे लोगों ने बहुत एतराज़ किया कि ये नहीं होना चाहिए था, हमें राजौरी पुंछ को अनंतनाग के साथ क्यों जोड़ा गया, जबकि वो इलाका है, ये पहाड़ी इलाका, देखो यहाँ से जहाज को भी अगर जाना हो मुश्किल है, तो हमें वहाँ का एमपी बनेगा, हमें क्या उससे मुलाकात, ना हम जानते हैं ना कुछ है। आज का जो हमारा मुद्दा, जो बिल्कुल पब्लिक बहुत अवेयरनेस रखती है, बिल्कुल वो बड़ी मकदार में राजौरी पुंछ से जो वोट करेंगे, अगर पहले 70% हुई है, हम 100% पर वोट ले जाएंगे, इसलिए ले जाएंगे जो हमारे साथ नाइंसाफी की गई है, हमें वहां जोड़ा गया है, ऐसे लीडर को बनाएंगे जो हमारी आवाज जो है पार्लियामेंट में गूंजे। क्या आवाज है? एक तो ये तो आपने कहा भाई बहन साहब, यहाँ लोकल इश्यूज क्या क्या है? लोकल इशू जो है वो बहुत सारे हैं, जैसे कि हमारा राजौरी पुंछ बॉर्डर इलाका है, यहाँ पर एक ही फसल मक्की की होती है, वो भी अगर झालाबारी हो जाए खत्म हो जाती है। पहले जो है अगर घर में 2 नफर थे उनको 35 किलो राशन मिलता था, आज चाहे 10 है चाहे कुछ है 5 किलो फिक्स कर दिया गया, पहले तो वहीं से मार पड़ गई। फिर बीपीएल जो लोग हैं उनको यहाँ पर क्या, यहाँ सिटी तो है नहीं है, कोई तजारती बिजनेस नहीं, लोग बेरोजगार बैठे हुए। हमारे एरिया के जो बच्चों ने मिलिटेंसी में काम किया, हमारी औरतों मर्दों ने, आज भी यहाँ एक वाकया मिलिटेंसी का हो चुका है जिसके सिलसिला में आप भी आए, लेकिन मिलिटेंसी को हम खत्म करने वाली वो हमारे लोग थे। हमारी बेटियां भैंसे भी चलाती थी, बकरियां भी चलाती थी, लेकिन हिंदुस्तान के LMG को कंधे पर लेकर घूमती थी। मिलिटेंसी हमारी औरतों का भी किरदार है जिन्हें खत्म किया, हिल का जिसे वाकया में आपको पता है,
जबकि हम लोगों ने हथियार उठाए, सिविल लोगों ने मेंडलसी खत्म हो गई थी। आज दोबारा साथ आ रही है जो यहाँ हुआ है, हम इसकी मजम्मत करते हैं, हमें इस चीज का बड़ा दुख है। आपका नाम? तारिक महमूद। आप क्या गुजर है या पहाड़ी? गुजर। गुजर है। पहाड़ियों को रिजर्वेशन मिली, आपको कोई एतराज तो नहीं? कोई एतराज नहीं है। अच्छा, ये तो सियासत है, गुजर और पहाड़ी उन दोनों कौमों को लड़ाना ये सियासत है, ये सियासत का ये आवाज है कि गुजर और पहाड़ी हम तो सब एक हैं। अच्छा, यस। तो आप गुजर जो हैं वो आप सेटिस्फाई हैं जो ये पहाड़ियों को मिला है, या आपको आपकी डिमांड्स हैं कुछ जो आपको चाहता है कि जो कैंडिडेट आप चुन के लाए वो आपकी मसले का हल करें? बिल्कुल, सबसे पहले यहाँ देखा जाए तो सबसे पहले बेरोजगारी का मसला है, नौजवान बेरोजगार हैं, हमारी स्टेटहुड को तबाह किया गया। तो हम ये चाहते हैं कि जो हमारे लीडर हैं मियां अल्ताफ साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो आएंगे और हमारे मसले मसाइल को यहाँ पे हल करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सपोर्टर हैं। आप क्या नाम? जी मेरा नाम शाहिद अब्बास। आप क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ कंपनी में। क्या लगता है कि जो कैंडिडेट चुन के आएगा क्या एक्सपेक्टेशन, क्या उम्मीद है आपको? बिल्कुल, हमें उनके साथ पूरी उम्मीदें हैं, हमारे जो भी मसले मसाइल है यहाँ के वो हल करें। क्या क्या मसले हैं? बहुत से मसले हैं, जैसे हमारी रोडों के देखो कितनी बहुत तबाही है, इधर हमारा आर्टिकल 370 तोड़ा गया, उसके बाद हमारी स्टेट वुड तोड़ी गई, ये तो हमें दुख है और अफसोस से हम कह रहे हैं हमारे क्यों स्टेट तोड़े है, आर्टिकल 370 क्यों तोड़ा, ये रिमूव होना चाहिए, वापस आना चाहिए। अच्छा। ये डिमांड हमारी मेन डिमांड ये है। जैसे हमारी रोडों का मुद्दा, इधर रोडों की देखो आप यहाँ सुनकोट तक चले जाओगे क्या बुरी कंडीशन है रोडों की, मेंढर में जाओगे बहुत ही बुरी कंडीशन है रोडों की। यहाँ के जैसे एक एक एलिवेटी लाइन आती है हमारी पानी की यहाँ से, उसमें आज देखो आज 6 महीने से उसको पानी नहीं आ रहा, हर एक ये हमारा एक पहाड़ी इलाका, इसमें हर एक नया से नया मुद्दा है, यहाँ पे बहुत से मुद्दे हैं। आप आपका आप, जी मेरा नाम मुख्तार अहमद है। आप गुजर है? जी जी गुजर। पहाड़ियों को जो मिला है आपको कोई दुख तो नहीं? कोई एतराज नहीं। आप एक यूथ है जी, आप एक यूथ है, क्या चाहते हैं सरकार जी? आप जो कैंडिडेट चुन के आएगा आप क्या चाहते हैं, जो नौजवानों के लिए क्या करना चाहिए? हम यही चाहते हैं कि सर जो बेरोजगारी है वो खत्म होनी चाहिए, और जो हमारा इधर जो देश है इसमें जो है अमन और शांति होने चाहिए। हाँ जी, अमन और शांति होने चाहिए, तो बाकी सब जो है ठीक चलना चाहिए, अच्छा चलना चाहिए, और हम भी जो है कोशिश करते हैं कि हमारा देश जो है वो अच्छा चले और इसमें कोई ऐसा कोई सिस्टम ना हो, तो शांति चाहते हैं हम। चाहते हैं, देखिए ये कुछ लोग थे यहाँ पे, ये गुजर कम्युनिटी से ज़्यादा तो ताल्लुक रखते हैं, लेकिन गुजर पहाड़ी की बात अलग, लेकिन आम लोग हैं, ये आम वोटर हैं यहाँ सुरनकोट में, और ये कह रहे हैं कि जो भी कैंडिडेट आएगा वो इनसे एक्सपेक्ट ये करते हैं कि वो उनके मसले और मसाइल को हल करें। आगे हम कुछ और लोगों से बात करेंगे, ये जो चुनावी माहौल हम इसको परख रहे हैं पूंछ राजौरी में, इसमें हम कुछ और लोगों से बात करेंगे और उनसे आगे जानेंगे कि आखिर क्या मुद्दे हैं और किसको वो